हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका इस चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के आया हूं माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। तो माँ वैष्णो देवी कटरा, चलो मैं आपको दिखाता हूं। मैं अभी आपको वाड़गंगा पे हूं और उसके बाद मैंने चेक पोस्ट से इंट्री की और RFID कार्ड इशू कराने के बाद हम लोग एंट्री कर गए और उसके बाद यात्रा स्टार्ट कर दी। अब हम बाणगंगा नदी क्रॉस कर रहे हैं, चलो हम आपको आगे मंदिर की तरफ लेकर चलते हैं। सुहाना मौसम और खूबसूरत नज़ारे के साथ हम लोग 6.5 किलोमीटर की यात्रा जय माता दी के नारे लगाते हुए पैदल और सीढ़ियों के मार्ग से होते हुए हम लोग अब अर्धकुंवारी भवन पहुंचने वाले हैं। और हम लोगों के सामने बादल ऐसे लग रहे थे कि बिल्कुल पास में ही हैं और अब हम लोग अर्धकुंवारी भवन पहुंचने वाले हैं, जो कि आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं कि बिल्कुल पास में ही दिख रहा है। और चलो हम आपको अर्धकुंवारी भवन लेकर चलते हैं। दोस्तों, ये है इंद्रप्रस्थ भोजनालय, जहाँ पर आप नाश्ता लंच वगैरह कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने यहाँ पर कढ़ी चावल और राजमा चावल आपको बिल्कुल जेन्युइन प्राइस में मिलेंगे, जो कि श्राइन बोर्ड के द्वारा डिसाइडेड हैं रेट। दोस्तों, अब हम अर्धकुंवारी माता के मंदिर आ चुके हैं।
चलो हम आपको दिखाते हैं। और ये देखिए बहुत अच्छा खासा फॉग है, और ये मेरी माता जी हैं। मैंने यहाँ पर अपने बच्चे के लिए प्राइम कर दिया था, और जिससे उसको कोई समस्या नहीं हुई चढ़ने में, और उसकी प्राइम का चार्ज 340 रुपए 340 रुपीस थे। दोस्तों अर्धकुंवारी भवन पर गर्भ जून के दर्शन के लिए बहुत लंबी वेटिंग चल रही थी, जो कि 300-400 की वेटिंग थी, जो कि मेरा कम से कम 20 से 24 घंटे बाद नंबर आता। तो इसके लिए मैं वहां पर केवल बाहर से दर्शन करके अब हम लोग आगे भवन के लिए बढ़ गए। तो मैंने भवन पे जाने के लिए अर्धकुंवारी से मैंने बैटरी कार घर से ही बुक करके गया था ऑनलाइन, जिसका चार्ज है 450 रुपये अर्धकुंवारी से भवन। दोस्तों ये बैटरी कार के बुकिंग की जगह है। अर्धकुंवारी से भवन के लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ेगा श्राइन बोर्ड की साइट से, और आपको कम से कम एक महीने पहले ये ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है, और जिसका चार्जेस है 450 रुपीज़। और आप लोग वहाँ पर ऑफलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं तुरंत, वो आपके तभी करेंगे जब उनके पास अवेलेबिलिटी होगी। और अब हम चल दिए हैं अर्धकुंवारी से भवन की तरफ, और जो कि मुझे अप्रॉक्स 20 से 25 मिनट लगा भवन पहुंचने में। जय माता की। और भवन पहुंचने के बाद हम लोगों ने मुश्किल से आधे घंटे के अंदर हम लोगों ने माता के दर्शन कर लिए, और बिल्कुल ही भीड़ नहीं थी, बहुत ही स्मूथली से दर्शन अच्छे से किए। और उसके बाद हम लोगों ने पार्वती भवन पे रेस्ट किया, जहां से बिल्कुल सामने ही माता का मंदिर एक बहुत ही सुंदर दृश्य बहुत ही अच्छी लाइटिंग के साथ दिख रहा था। और चलो अब हम आपको आगे के भैरवनाथ मंदिर के लिए आपको लेकर के चलते हैं। और दोस्तों आपको मंदिर के अंदर कुछ भी ले जाने की अनुमति नहीं है, आप मंदिर के अंदर सिर्फ प्रसाद लेके जा सकते हैं। दोस्तों मुझे भवन पर ही डोरमेट्री मिल गया था, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है,
और हमने कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम फिर भैरव मंदिर के लिए दर्शन के लिए निकल गए और वहाँ पर हमने पैदल चढ़ाई की, जो कि सबसे ज़्यादा कठिन है। और भैरव बाबा के दर्शन के लिए हम लोग पैदल ही जा रहे हैं, जो कि 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के अराउंड है और सीधी खड़ी चढ़ाई है, जो कि बहुत अच्छी। और रात में आपको यात्रा करते टाइम आपको कोई भी परेशानी नहीं होती है और बहुत ही अच्छा लगता है। जय माता की। ये हम लोग बाबा भैरवनाथ के मंदिर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। दोस्तों, भवन से भैरव मंदिर के लिए सुबह आपको 7 बजे से और शाम के 4 बजे तक आपको रोपवे की सुविधा भी मिलेगी, जिसके लिए आपको 100 रुपये चार्जेस हैं, जिसमें आपको जाना और आना है। काफी है, मेरा पीछे वीडियो बनाने बस काफी है भाई, इतना काफी है। अब जंगल झाड़ पे आएगा, मतलब बाय मां अभी नहीं।